खास खबरों पर। कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी, पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह समेत पार्टी के अन्य नेताओं ने आज राष्ट्रपति भवन पहुंचकर दिल्ली हिंसा पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को ज्ञापन सौंपा। बताते चले कि कांग्रेस नेताओं से मुलाकात की जानकारी खुद प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के ट्विटर हैंडल से भी दी गई। इस दौरान ट्वीट में लिखा गया, श्रीमती सोनिया गांधी और डॉक्टर मनमोहन सिंह के नेतृत्व में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के एक प्रतिनिधिमंडल ने राष्ट्रपति कोविंद से राष्ट्रपति भवन में मुलाकात की। वहीं राष्ट्रपति कोविंद से मुलाकात के बाद सोनिया गांधी ने कहा कि केंद्र और दिल्ली सरकार हिंसा पर मूक दर्शक बनी रही। हमने राष्ट्रपति कोविंद को इसके मद्देनजर ज्ञापन सौंपा है। उन्होंने कहा है कि हिंसा में 34 लोगों की जान ले ली गई और लोगों के कारोबार खत्म कर दिए गए। इसके अलावा कांग्रेस ने राष्ट्रपति कोविंद से केंद्रीय गृह मंत्री को हटाने का आह्वान करते हुए अमित शाह पर कर्तव्य के त्याग का आरोप लगाया। समाजवादी पार्टी के संस्थापक सदस्य था पार्टी के फायर ब्रांड नेता के धोखाधड़ी के मामले में जेल जाने से समाजवादी पार्टी की मुश्किलें बढ़ गई हैं। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव का आज सुबह चार्टर प्लेन से आजम खान से मिलने रामपुर जाने का कार्यक्रम था। अब वह सड़क मार्ग से सीतापुर निकले हैं, जहां सीतापुर जेल में बंद आजम खान से भेंट करेंगे। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव रामपुर से सांसद आजम खान के साथ ही उनकी पत्नी विधायक डॉक्टर तजीन फातिमा व विधायक बेटे अब्दुल्ला आजम की गिरफ्तारी के बाद से काफी परेशान है। आजम खान की गिरफ्तारी समाजवादी पार्टी के लिए मुश्किलें बढ़ा सकती है। वह पार्टी का सशक्त मुस्लिम चेहरा माने जाते हैं। आजम खान को मुलायम सिंह यादव के साथ ही अखिलेश यादव भी खासी अहमियत देते रहे हैं। रामपुर में उनके खिलाफ हुई प्रशासन की कार्यवाही का समाजवादी पार्टी काफी समय से विरोध कर रही है। वही दिल्ली में हुई हिंसा में कई इलाके काफी प्रभावित हुए हैं। आम आदमी पार्टी ने निर्णय लिया है कि वे हिंसा प्रभावित क्षेत्रों में राहत सामग्री लोगों को मुहैया कराएगी। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की अध्यक्षता में हुई हाई लेवल मीटिंग में यह निर्णय लिया गया है। इस मीटिंग में उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया, मंत्री कैलाश गहलोत और अन्य उच्च अधिकारी शामिल हुए। बताते चले कि दिल्ली के कई इलाकों में भड़की हिंसा में अब तक 34 लोगों की मौत हो गई, जबकि 250 से ज्यादा लोग घायल हैं। हालांकि फिलहाल स्थिति नियंत्रण में है और हिंसा प्रभावित क्षेत्रों में पुलिस बल तैनात है। वही बहुजन समाज पार्टी की मुखिया मायावती नागरिकता संशोधन कानून के विरोध में दिल्ली में हुई हिंसा से बेहद दुखी हैं। बसपा की सुप्रीमो मायावती ने दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को वहां के हालात शीघ्र सामान्य करने की सलाह दी है। लोकसभा चुनाव 2019 के बाद से सोशल मीडिया पर बेहद सक्रिय बसपा की मुखिया मायावती ने अरविंद केजरीवाल को नेक सलाह दी है। मायावती ने कहा है कि आम आदमी पार्टी के संयोजक तथा दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल फिलहाल तो दिल्ली के अलावा अन्य राज्यों में पार्टी के विस्तार के बारे में विचार करना छोड़कर दिल्ली पर ध्यान दें। उनको अब तो दूसरे राज्यों की बजाय दिल्ली के हालात सामान्य करने पर ध्यान देना चाहिए। दिल्ली सीएम को भी दूसरे राज्यों में राजनीति करने की बजाय दिल्ली में स्थिति सामान्य करने के लिए अपनी बड़ी भूमिका निभानी चाहिए। वही दिल्ली हाई कोर्ट के जज जस्टिस एस मुरलीधर के तबादले को लेकर राजनीति शुरू हो गई है। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने दिल्ली हिंसा के मामले में सुनवाई करने वाले जज के तबादले को लेकर भाजपा पर निशाना साधा। प्रियंका गांधी ने ट्वीट कर कहा है कि जस्टिस मुरलीधर का मौजूदा विवाद के दौरान आधी रात में तबादला चौंकाने वाला नहीं है, लेकिन यह दुखद और शर्मनाक है। सरकार न्याय का मुंह बंद करना चाहती है। लाखों भारतीयों को एक न्यायप्रिय और ईमानदार न्यायपालिका में विश्वास है। न्याय को विफल करने और उनके विश्वास को तोड़ने के सरकार के प्रयास दुस्साहसी है। बताते चले कि जस्टिस मुरलीधर को पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट में ट्रांसफर किया गया है। केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद का कहना है कि ट्रांसफर के रूटीन पर राजनीति करके कांग्रेस ने दिखा दिया है कि वे न्यायपालिका का कितना सम्मान करते हैं। भारत के लोगों ने कांग्रेस को खारिज किया और कांग्रेस संस्थाओं को खत्म करने का प्रयास कर रही है। वही पूर्व क्रिकेटर और पंजाब के पूर्व मंत्री नवजोत सिंह सिद्धू को कांग्रेस आला कमान ने दिल्ली तलब किया। इसके बाद वह दिल्ली कांग्रेस की कार्यवाहक अध्यक्ष सोनिया गांधी और पार्टी की महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा से मिले। सिद्धू के अनुसार दोनों नेताओं से उनकी पंजाब की वर्तमान हालत पर चर्चा हुई। इस मुलाकात के बाद पंजाब की राजनीति गर्मा गई है और कयासबाजी का दौर तेज हो गया है। बताते चले कि नवजोत सिंह सिद्धू पंजाब कांग्रेस और राज्य की सियासत से फिलहाल अलग थलग दिख रहे थे। कैप्टन अमरिंदर सिंह सरकार से कैबिनेट मंत्री पद से इस्तीफा देने के बाद से वह राजनीतिक गतिविधियों से दूर हैं। वह काफी समय से सार्वजनिक तौर पर नहीं दिखे और सियासत से दूरी बना रखी है। वह मीडिया से भी दूरी बनाए हुए हैं। बुधवार को पंजाब विधानसभा में उनकी पार्टी कांग्रेस सरकार के खनन मंत्री सुखजिंदर सिंह सरकारिया ने
ने सिद्धू पर हमला किया था और उनकी रेत बजरी खनन की नीति के बारे में रिपोर्ट को फिजूल का बताया था। तो राजनीति की खबरों में बस इतना ही। मिलते हैं नई खबरों के साथ, तब तक के लिए आप बने रहिए 24/7 लाइव टीवी के साथ। नमस्कार।